जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है पर्यावरण यानी कि ईबीएस का 21 मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक, जो कि इसमें सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन लिए हैं या तो एग्जाम में आए हैं या आने के पूरी संभावना है, तो वीडियो को लास्ट तक अपना लास्ट में स्कोर कार्ड सभी लोग शेयर करिए। तो जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर है आज के सेशन का फर्स्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, शेर, मेढक, टिड्डा, हिरण। तो यहाँ से आपको 71 का आंसर बताना है कि द्वितीयक उपभोक्ता का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, मेढक। क्योंकि देखो मेढक छोटे छोटे जीवों को खाता है, मेढक को बाकी के खाते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर, अपघटक पर। तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपघटक पर। तो याद रखना है, जो प्रत्येक जो खाद जो श्रृंखला जो समाप्त होती है वो किस पर होती है, अपघटक पर। क्वेश्चन नंबर है 73, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो बताइए कि समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक, ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, गैसीय चक्र। तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। तो याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, जो जैविक यानी कि जो अपना वातावरण एक टाइप का है, तो आंसर यहां से हो जाएगा सी जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुकरण, जैव भू रासायनिक चक्रण, पारिस्थितिकी अंतर अनुक्रमण या पारिस्थितिकी पिरामिड। तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी अनुकरण। तो याद रखना आंसर हो जाएगा ए जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग नहीं है। तो बताइए अनाच्छादन, स्थानांतरण या आक्रमण या प्रतिस्पर्धा। तो अनुक्रमण, तो यहाँ से जो 75 का, तो देखिए यहाँ से जो अंग नहीं है अनुक्रमण यानी कि स्थानांतरण को, देखिए अनुक्रमण एक तरह का अग्रसर यानी कि अनाच्छादन, आक्रमण यानी कि प्रतिस्पर्धा, ये तीनों होते हैं स्थानांतरण को छोड़ के। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक या अजैविक। तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा अपघटक। याद रखना 76 का आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक। तो विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं, तो याद रखना है अपघटक। 77 है, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यता कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा 3। तो याद रखना पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 78 है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो बताइए यहाँ से जो विश्व ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार, जनसंख्या वृद्धि। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जो सर्वाधिक जलवायु के लिए उत्तरदायी है, अगर वृद्धि होगी तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तभी तो कहते हैं पर्यावरण बचाओ। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। 79 है, ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी हैं। याद रखना डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 80 है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा यानी कि जो योगदान है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का है। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन। तो यहाँ वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, बाकी के क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग, और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है,
जीवाश्म ईंधन दहन, प्राणियों का श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया, दल दली भूमिया। तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा, सो उत्सर्जन का जो प्रमुख स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन दहन, यानी कि जो जो ईंधन जो दहन होता है जो जीवाश्म, यानी कि जो गले उड़े उनसे, तो जो उसका सर्वाधिक है। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्प जीवी है CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाता है, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अल्पजीवी है, क्या हो जाएगा यहाँ से, मीथेन। और क्वेश्चन बनता है ग्रीन हाउस में कौन सी गैस नहीं है, वो नाइट्रोजन है, याद रखना है, नाइट्रस नहीं नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर है 83, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFCs का। तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाएगा। तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत है, बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ से स्रोत, मरुस्थलीय मिट्टियाँ, शीतकटिबंधीय मिट्टियाँ, शीतोष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ, उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। तो यहाँ से अगर मैं 84 की बात करूँ तो जो सर्वाधिक जो नाइट्रस है उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ, यानी कि जो जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है मीथेन का, CFCs का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो मात्र रासायनिक क्रिया से जो निर्माण होता है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरो। जो एक अगर मैं बात करूं यहां से जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वही गैस है। तो याद रखना इसका जो सर्वाधिक जो मात्र रासायनिक क्रिया से जो निर्माण होता है, याद रखना है, वो हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कूलर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, जो ओजोन परत को जो हानि पहुंचाने वाले जो घरेलू जो उपकरण है जो एयर कंडीशनर, तभी तो, यानी कि जो जहां अगर मैं बड़े शहर की इंडिया के अगर बात करूं जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, यहां क्या AC वगैरह जाता है, तो यहां क्या है, यहां वातावरण बहुत बेकार है, गर्मी है, तो ये किसके कारण, AC के कारण है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व तापमान में वृद्धि का परिणाम नहीं है समुद्री जल स्तर वृद्धि, हिमानी संकुचन, ऋतु चक्र में परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार में वृद्धि। तो यहाँ से जो 87 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार में वृद्धि, विश्व तापमान में वृद्धि का परिणाम नहीं है। तो याद रखना यहाँ से डी, बाकी के सभी चीज़ों में वृद्धि। अगर देखो समुद्री जल स्तर आप लोग सोच रहे होंगे, देखो अगर धूप ज़्यादा पड़ेगी यानी कि तो क्या होगा, जो बर्फ वगैरह ज़्यादा पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। ऋतु परिवर्तन सभी को पता है, हिमानी संकुचन यानी कि इसका तो पता ही है कि हिमानी संकुचन यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बरसात पानी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा बी। और जो अगला क्वेश्चन यहाँ से, विश्व जलवायु परिवर्तन पर 1997 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन नगोया में या क्योटो में या टोक्यो में बीजिंग में। तो 88 का आंसर इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखना जो 1997 अगर पूछे तो याद रखना वो क्योटो में हुआ था। तो याद रखना एक देश का नाम है, याद रखना क्योटो में आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से 89, वर्ष 2015 विश्व जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन आयोजित किया गया था दोहा, पेरिस, कानकुन, लिमा। तो याद रखना यहाँ से 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा, यहाँ इंडिया की बहुत अच्छी भागीदारी रही थी। तो पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 विश्व जलवायु परिवर्तन का संयुक्त सम्मेलन कहाँ, रियो डी जेनेरो, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, क्योटो। तो 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। तो याद रखना ये थे आपके 20 क्वेश्चन। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, सब बेल बटन दबाइए, अपना स्कोर कार्ड जल्दी बता दीजिए, 20 ऑफ कितने आपके बन रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।
और इसी में इसके आंसर हैं, तो आप आंसर भी देख लिया करिए। पीडीएफ आप लोगों को मिली जाएगी टेलीग्राम, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, सिद्धार्थ सर नेम से सर्च करना है, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी।